Hello students and welcome to your English language class. Today in this class we will be taking up third and fourth part of the story Madam Rides the Bus, written by Vali Kannan. Okay, so we have read the first part and the second part as well. And this is the third part. So, her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. Okay, it was her maiden journey, her first journey. And Vali had made all elaborate, attentive, detailed plans for it. She had thriftily saved. Thriftily means economically. Okay. Saved whatever stray coins. स्ट्रे कॉइन्स मीन्स सम मिसप्लेस्ड कॉइन्स जो हो सकता है गलती से इधर उधर कुछ कॉइन्स रख दिए गए हों केम हर वे रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स टॉयज बलून्स एंड द लाइक एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे नाउ शी हैडन्ट टोल्ड अबाउट हर प्लान्स टू हर पेरेंट्स So she was collecting the money all by herself. So whatever loose coins she used to get, she used to save them. Okay, and she resisted all the temptations. Jitna bhi uska man hota tha to buy some peppermints or toys or balloons, ठीक है या और ऐसी कोई चीज़ खाने पीने की तो वो उस temptation को resist करती थी, ठीक है? Because she had to save money for the fare. How difficult it had been, particularly that day at the village fair. और एक दिन जब विलेज फेयर लगा हुआ था मेला लगा हुआ था गांव में सो उसके लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह उसको टॉयज़ दिख रहे थे देवर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच शी वॉन्टेड टू बाय बट शी वॉज सप्रेसिंग ऑल हर इमोशंस शी वॉज सप्रेसिंग हर wish to buy them because she was saving the money. Okay, she had to, but she had resolutely stifled. Resolutely stifled means suppressed. A strong desire to ride the merry-go-round. Merry-go-round जो एक झूला होता है ना ऐसे गोल-गोल घूमता है. So merry-go-round पे भी बैठने को उसका बहुत मन था, but she resisted that also. Even though she had the money. मतलब अगर पैसे नहीं होते तब भी एक बार को वो अपने आप को रोक पाती लेकिन शी हैड द मनी एंड शी कुडंट स्पेंड इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर हर ओके आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज ओके फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी शी हैड द मनी नाउ बट द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज How she will come out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. और इस problem को भी उसने बड़े easily overcome किया. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Okay, so every day her mother used to take a nap, short nap. It was not short, although, so From 1 o'clock till 4 o'clock in the evening, she used to take a nap. So it was quite easy for Vali to come out of the house without her mother's knowledge. Vali always used these hours for her excursions. और वो इस टाइम को यूटिलाइज करती थी घर से बाहर निकलने के लिए और जो भी उसका फेवरेट पास टाइम होता था She used to stand in the doorway of the house या maybe घर से बाहर निकलती थी शी यूज़ टू टेक स्मॉल ट्रिप्स अराउंड द विलेज एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इन टू द विलेज ओके सो वेंचर्ड आउट मीन्स शी वेंट कॉशियसली और केयरफुली इन टू द विलेज नाउ टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज अब पहले भी वो ऐसा कर चुकी है कि बिना मदर की नॉलेज के वो घर से बाहर निकली और थोड़ा घूम फिर के वापस वो आ गई ठीक है सो अब वो जो सेम आवर्स थे दैट शी वांटेड टू यूटिलाइज फॉर हर ट्रिप टू द नियरेस्ट विलेज बट दिस टाइम इन द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट हैमलेट मीन्स विलेज ओके और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप तो
बस जो है कभी एक छोटे विलेज से गुजर रही थी, कभी कुछ शॉप्स के पास से गुजर रही थी. सो समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल. जब कई बार होता है ना कि कोई छोटा व्हीकल बस के आगे चल रहा हो, तो ऐसा लगता था कि बस उसके ऊपर ही चढ़ जाएगी. एंड इट विल स्वॉलो इट, ठीक है, उसको इट विल ईट इट अप हरिडली. ओके, सो गॉबलिंग अप मीन्स ईटिंग समथिंग हरिडली, जल्दी से जल्दी जल्दी किसी चीज़ को खाना. तो जो बस में पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनको ऐसा ही लगता था जब भी कोई छोटा व्हीकल सामने आता था बस के, कि दिस बस विल ओवर राइड दैट. ओके, दैट व्हीकल दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर कोई जो पैदल चलने वाले लोग हैं कभी वो रोड क्रॉस कर रहे होते थे, तो तब भी ऐसा ही लगता था कि बस इनके ऊपर चढ़ जाएगी. बट लो, समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, एंड द बस वॉज रनिंग स्मूथली, लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड. और बिना किसी को टक्कर मारे हुए, बिना किसी को हर्ट किए हुए, द बस वॉज मूविंग अहेड. नाउ ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स देम, बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन. तो जब आप बस के साथ साथ देखते हो तो ऐसा लगता है कि ट्रीज जो हैं वो चल रही हैं और आपकी तरफ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, है ना. तो कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है एज इफ इवन द थिंग्स विच आर स्टेशनरी आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स यू, राइट. तो ऐसा ही लग रहा था कि वो ट्रीज भी दे आर रशिंग टूवर्ड्स द पैसेंजर, और फिर बाद में वो दूसरे डायरेक्शन में, बस जैसे फॉरवर्ड जा रही थी तो ट्रीज जो है दे वर गोइंग बैकवर्ड. नाउ सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. ग्ली मीन्स जॉय. तो एकदम से वली जो है शी स्टार्टेड क्लैपिंग हर हैंड्स एंड शी वॉज क्वाइट प्लीज्ड. अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट. नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज द काउ दैट्स रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. और वो बस के बिल्कुल सामने आगे आगे भाग रही होती है. द बस स्लोड टू अ क्रॉल. तो जो ड्राइवर है वो उसको धीरे धीरे बस को स्लो डाउन करता है. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. और वो बार बार हॉन्क करता है. बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटन्ड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड. गैलोप्ड मीन्स जैसे आपने देखा होगा जानवर जो है जब भागते हैं तो छलांगे लगा लगा के भागते हैं, राइट. सो दे जम्प अप हाई एंड देन दे रन. सो जितना भी वो हॉन्क कर रहा था बस को ड्राइवर, उतना ही ज़्यादा वो जो काओ थी वो डर रही थी, और वो और ज़्यादा तेज़ छलांगे लगाते हुए इधर उधर दौड़ रही थी. ऑलवेज़ राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. लेकिन वो बार बार बस के आगे ही दौड़ रही थी, वो साइड में नहीं जा रही थी. शी वॉज़ नॉट ट्राइंग टू सेव हर सेल्फ, बल्कि उसको समझ नहीं आ रहा था मे बी. ओके, सो वो इधर उधर बस के आगे ही दौड़ रही थी. Somehow this was very funny to Wali. और वली को ये सब कुछ बहुत ही hilarious लग रहा था, बहुत funny, comical लग रहा था. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. और कभी कभी आप इतना हंसते हो ना कि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. So वली की भी आंखों में खुशी के आंसू थे. Now hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some for tomorrow. अब कंडक्टर फिर से उसको उसके ऊपर कमेंट करता है कि तुम बहुत हंस चुकी हो और कल के लिए भी कुछ हंसी अपनी बचा के रखो, ठीक है, आज ही सारी मत ख़त्म कर दो. एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड. और काफ़ी देर तक ये ड्रामा चलता रहा और फाइनली काउ जो है वो एक साइड में हो गई रोड के. एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, ठीक है, जो आपने देखा होगा जो ट्रेन क्रॉसिंग होती है, जहाँ पे जो व्हीकल्स हैं दे आर यूजली स्टॉप्ड बिकॉज द ट्रेन हैज़ टू पास फ्रॉम देयर. तो वहीं पर वो लोग आके रुकते हैं. अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, ठीक है. तो रेलवे क्रॉसिंग पे जब बस रुकती है तो एक ट्रेन जो है दूर से आती हुई नज़र आती है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे अब कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो ऑब्वियसली इट विल ग्रो इन साइज, राइट. जितनी दूर होती है चीज़ उतनी छोटी नज़र आती है, और पास आते आते वो काफ़ी बड़ी जो उसका नॉर्मल साइज़ है इट अटेन्स दैट. नाउ Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. आपको पता है जब ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग से जाती है तो अगर आप किसी व्हीकल में बैठे हो
तो वो भी क्या होता है, शेक करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एकदम बहुत शोर के साथ और बहुत ही वायलेंट तरीके से बस बहुत स्पीड, वो ट्रेन जो है बहुत स्पीड में क्रॉस करती है, तो एवरीथिंग स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, राइट. देन इट ओके, देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. और फिर जब ट्रेन वहाँ से रेलवे क्रॉसिंग से क्रॉस कर लेती है, तो फिर उसके बाद बस भी आगे बढ़ जाती है. फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थोरोफेयर. सो नाउ द बस स्टार्टेड ट्रैवलिंग अक्रॉस अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट. ओके, जैसे रोड साइड बाजार जो होता है, मार्केट होती है, सो वैसी ही मार्केट वहाँ पर थी. There were shops across the street and turning entered a wider thoroughfare. Thoroughfare means a busy public road. So people were traveling, people were walking on the road and it was a busy road. Such big bright looking shops. What glittering displays of clothes and other merchandise. Merchandise means goods for sale. So obviously it was a roadside bazaar. So there were a lot of things which were displayed and they were ready to be sold off. So this little girl was quite surprised and quite amused at the sight, because she has never seen such a big shopping market, okay, before. Such big crowds. Struck dumb with wonder, Vali gaped at everything. Now she was totally amazed at the sight and she was just absorbing everything. She was just looking at everything continuously. She was just staring dumbfoundedly. Okay. Then the bus stopped and everyone got off except Wali. अब बस जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी थी. ओके, एंड ऑल द पैसेंजर्स दे जस्ट गॉट ऑफ द बस, बट Wali, शी डिडंट स्टेप आउट ऑफ द बस. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 paise takes you. Ab conductor usko remind karta hai that this is the final stop of this bus. You need to get down because it won't be taking you any far from this place. In your 30 paise ticket which you have bought from me. No, Wali said, I'm going back on this same bus. Now Wali informed the conductor that she'll be returning in the same bus to her village. She took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. और जल्दी से उसने 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को हैंड ओवर कर दिए. Why is something the matter? अब कंडक्टर काफ़ी कंसर्नड हो गया कि कुछ बात है बेटा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है. No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. अब वली उसको बड़ा कैजुअली बताती है कि नहीं, देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ राइड इन द बस, दैट्स वाई आई एम हेयर. डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हेयर. वो कहता है इट्स ओके, अब तुम बस में तो आ चुकी हो, लेकिन क्या तुम बाहर उतर के और बाहर के नज़ारे नहीं देखना चाहते? तो वो कहती है, ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड बी मच टू अफ्रेड. वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अकेले थोड़ी ना उतर सकती हूँ, और जो है ये काफ़ी रिस्की होगा, एंड आई विल बी टू मच अफ्रेड. ओके, ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस. अब वो काफ़ी सरप्राइज भी होता है उसकी बात सुन के, जिस स्टाइल में वो बोल रही होती है, तो वो काफ़ी उसको अजीब भी लगता है. और वो कहता है कि लेकिन तुम बस में अकेले आते हुए तो बिल्कुल नहीं डरी थी, अब तुम्हें क्यों डर लग रहा है? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट. उसने कहा बस में राइड करने में क्या डरने वाली बात है. हाँ, वंस यू गेट ऑफ द बस मे बी देन इट कुड बी स्केरी एंड इट कुड बी डेंजरस, बट राइडिंग इन द बस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ स्केरी. शी आंसर्ड, वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल over there and have something to drink. Nothing to be afraid of about that either. और वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, at least वहाँ सामने जो स्टॉल लगी हुई है, you can go till there and get yourself something to drink. उसमें कोई डरने वाली बात तो नहीं है. Oh no, I couldn't do that. वो उसके लिए भी मना कर देती है that I'm not willing to get off the bus. Well then, let me bring you a cold drink.
अब कंडक्टर को उस पर हो सकता है उसको थोड़ी सी सिंपथी आती है, या मे बी आउट ऑफ कंसर्न वो सोचता है कि बच्चों ने कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो वो कहता है कि ओके फाइन लेट मी गेट यू अ कोल्ड ड्रिंक. नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल. अब वली जो है वो काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट और काफ़ी जिसको कहते हैं ना एक प्रिंसिपल्ड चाइल्ड है, तो वो कहती कि नहीं नहीं मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है और आप मुझे सिर्फ टिकट दे दीजिए, दैट विल बी फाइन. ओके इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. अब कंडक्टर कहता है डोंट वरी अबाउट द मनी, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ और वो मेरी तरफ से ट्रीट होगी तुम्हारे लिए. नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो. और वो काफ़ी फर्मली उसको आंसर करती है कि नहीं प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू. द कंडक्टर श्रग्ड, और कंडक्टर फिर ऐसे अपने शोल्डर्स को श्रग करता है. एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी. और वो दोनों जने बस में वेट करते रहे जब तक कि उनकी जो रिटर्न जर्नी का टाइम नहीं हो गया था तब तक. अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, और वापस जो जर्नी थी इनकी फ्रॉम दिस टाउन टू द विलेज देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स दिस टाइम ऑल्सो. वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट. अब कंडक्टर को उसकी स्टोरी पता चल गई थी दैट शी हैज़ कम ऑल बाय हर सेल्फ इन द बस जस्ट टू गेट अ राइड. तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारी मदर को नहीं चिंता हो रही होगी, शी विल बी लुकिंग फॉर यू. नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी शी सेड. उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा. द बस स्टार्टेड एंड अगेन देर वर द सेम वंडरफुल साइट्स. और जाते वक्त भी वही जो काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे थे वो उसको दिखाई दे रहे थे. वली वॉजंट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, और वो ऐसा नहीं लग रहा था उसके फेस को देख कर दैट शी वॉज गेटिंग बोर्ड बिकॉज शी वॉज लुकिंग एट द सेम साइट्स. ठीक है, दोबारा से वो उन्हीं लैंडस्केप्स उसी ग्रीन फील्ड्स को दोबारा से देख रही थी एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद द सेम एक्साइटमेंट. लेकिन वो बिल्कुल भी बोर्ड नहीं थी और अब भी उतनी ही एक्साइटमेंट थी उसके अंदर. शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जितनी एक्साइटमेंट उसको फर्स्ट टाइम उन लैंडस्केप्स को उस ग्रीन फील्ड्स को देखने में हो रही थी, दिस टाइम ऑल्सो शी वॉज दैट मच एक्साइटेड. बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. अब उसको वहाँ पर एक छोटी सी काउ या काउ का बेबी में भी वो उसको वहीं रोड साइड पे मरा हुआ दिखता है और वो शायद किसी फास्ट मूविंग व्हीकल ने उसे टक्कर लगा दी होती है. इज इन दैट द सेम काउ दैट रैन इन फ्रंट ऑफ द बस ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, एंड शी आज द कंडक्टर. अब वली को ध्यान आता है कि ये तो वही सेम काउ है दैट वॉज रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस. ओके जब वो जा रहे होते हैं टाउन की तरफ तो दिस वॉज द सेम काउ. द कंडक्टर नॉडेड, कंडक्टर ने हाँ में सर हिला दिया. एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और वो छोटी बच्ची थी वो काफ़ी उदास हो गई है देख के. वट हैड बिन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर जस्ट अ लिटल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल. अब ऑब्वियसली उसका एक्सीडेंट हुआ था उस काउ का एंड शी डाइड एंड शी वॉज लुकिंग वेरी हॉरिबल नाउ. ओके सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर लेग्स स्प्रेड ईगल्ड अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज ब्लड ऑल ओवर. अब उसकी वहाँ पे जो डेड बॉडी थी, ठीक है, जो कारकेस था उसका, वो वहीं पर पड़ा हुआ था और आप इमेजिन कर सकते हो कि एक्सीडेंटल केस में, रोड एक्सीडेंट में हिट हुई हुई जो काओ थी उसकी क्या हालत होगी. इट वॉज ऑल ब्लड हैड स्पिल्ड ऑल ओवर हर बॉडी और एक फिक्स स्टेयर था उसकी, मतलब आंखें खुली हुई थी और कॉन्टीन्यूसली जैसे एक कॉन्टीन्यूस स्टेयर होता है ना आंखों में, सो वैसा था और उसके पैर जो हैं वो फैले हुए थे. द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काओ हॉन्टेड हर. ठीक है, बार बार जैसे वो आंखें बंद कर रही थी उसको बार बार वही विजुअल्स उसकी आंखों के सामने उसे दिखाई दे रहे थे और वो डर रही थी, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म. और अभी कुछ देर पहले वो जितनी एक्साइटेड थी, एंथुजियास्टिक थी, सो नाउ ऑल दैट हैज़ लॉस्ट. ठीक है, ऑल दैट इज़ गॉन. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो विंडो के बाहर भी नहीं देखना चाहती थी क्योंकि एकदम से वो काफ़ी डिप्रेस हो गई थी वो साइट देख कर. ओके
She sat thus glued to her seat until the bus reached her village in 3:40. At 3:40, और वो अब चुप करके अपनी सीट पर जाके बैठ गई थी और तब तक नहीं उठी थी जब तक कि वो बस विलेज पहुंच नहीं गई थी. और एग्जैक्टली एट 3:40 इट रीच्ड हर विलेज. शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हर सेल्फ. अब वो काफ़ी देर से बैठी हुई थी तो सबसे पहले उठ के उसने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच किया. देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन. और वो कंडक्टर को बड़े ही एक वेल बिहेव्ड गर्ल की तरह शी सेज दैट आई होप टू सी यू अगेन, मैं दोबारा आपसे मिलूंगी. ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. और कंडक्टर उसको फिर से मैडम कह के एड्रेस करता है और कहता है जब भी आपका मन करे बस में घूमने का प्लीज़ कम एंड जॉइन अस, लेकिन अपना फेयर ज़रूर लेकर आना. ओके, शी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम. और वो हंसते हुए जो है बस से कूद के नीचे उतरती है और अपने घर की तरफ भागती है. व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स, द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट. उसकी मम्मा तब तक जाग गई होती हैं और कोई वली की आंट होती हैं, उनके साथ वो बैठ के बातें कर रही होती हैं. दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स. ठीक है, चैटर बॉक्स कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं. ठीक है, जितनी ज़रूरत हो उससे भी कहीं ज़्यादा. ओके, सो नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग. और एक बार जब वो बोलना शुरू करती थी शी नेवर यूज़ टू स्टॉप. एंड वेयर हैव यू बिन, सेड हर आंट. अब उसकी आंट ने जैसे ही वली को देखा तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने यही पूछा कि अब तक तुम कहाँ थी. When Wali came in, she spoke very casually, not expecting a reply. और उसकी आंट ने बड़े ही कैजुअली उससे पूछा और मतलब उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि वली का क्या जवाब है, बस उन्हें कुछ ना कुछ बोलना होता था तो वैसे ही उन्होंने क्वेश्चन कर लिया. सो वली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन. ठीक है, तो उन्हें लगा होगा कि जैसे यूजुअली बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं या ऐसे ही घूमने चले जाते हैं, गाँव का एक चक्कर लगाने चले जाते हैं, तो मे बी वली वहीं होगी और अब वो वापस आ गई थी. तो दे वर नॉट क्वाइट बॉदर्ड दैट वे वर शी. येस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन आर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग. कि इतनी सारी चीज़ें हैं इस पूरी दुनिया में और हमारे आसपास कि हम सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी. और हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते भी हैं लेकिन हम कम्प्लीटली नहीं जान सकते, हम पूरी तरह से उन चीज़ों के बारे में तब भी नहीं जान पाते. ओ येस ब्रेज वली, वली कहती है हाँ हाँ ये तो बात बिल्कुल ठीक है. वॉट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, कि तुमने क्या कहा. अब उसकी मदर को शौक लगता है कि वो बड़ों के बीच में कैसे बोल रही है और उसका मतलब क्या है. ओह सेड वली, आई वॉज जस्ट अग्रींग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आर नॉलेज. कि हाँ दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता. जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज़, मतलब एक छोटी सी बच्ची है, सेड हर आंट. एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज़ इन टू आर कॉन्वर्सेशन. कि कैसे उसका कोई लेना देना नहीं है हमारी कॉन्वर्सेशन से जो भी हम बात कर रहे हैं, बट फिर भी वो बीच में इंटरवीन कर रही है, बीच में इंटरफेयर कर रही है. जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, जैसे कि ये बहुत बड़ी दादी माँ हो गई है. ठीक है, तो वो ऐसे बात कर रही थी. वली स्माइल टू हर सेल्फ, अब वली सोच सोच के जिसको कहते हैं ना अंदर ही अंदर मुस्कुराना, क्योंकि वो इतना बड़ा काम करके आई थी, अकेले बस राइड करके आई थी, वो टाउन तक अकेले गई थी बस में. She didn't want them to understand her smile. और वो नहीं चाहती थी कि वो लोग उसके स्माइल के पीछे छुपे हुए राज को जान सकें. But then there wasn't much chance of that, was there? लेकिन इस बात का कोई चांस नहीं था कि वो लोग समझ पाते why she was smiling the way she was, क्योंकि उन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं था कि वली जो है वो अकेले ऐसा भी कर सकती है, अकेले वो बस में ट्रैवल करके टाउन तक होके वापस आ सकती है. ओके, so this has been translated from the Tamil by K.S. Sundaram and illustrated by R.K. Lakshman. ठीक है, इसमें जो ये कार्टून्स बने हुए हैं ये आर के लक्ष्मण, वो इज़ अ फेमस कार्टूनिस्ट. ठीक है, उन्होंने बनाए हुए हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेल. नाउ हियर इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ वली
and as well as the conductor, the bus conductor, and just write a short summary of this chapter and do the question answers in your fair notebook and submit your homework by 3 o'clock tomorrow. Thank you for watching this video.